रुको जरा, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, लेकर आए और एक न्यू ग्लिच वीडियो आप सबके लिए। तो आज ऐसे पांच मजेदार ग्लिच दिखाएंगे और हिडन प्लेस के बारे में बताएंगे, जिसको देख के आप लोग चौंक जाओगे। तो भाई ऐसा भी कोई हिडन प्लेस होता है क्या गेम में? तो हाँ भाई, बिल्कुल सही। अपडेट के बाद फ्री फायर ने जो ग्लिच आप लोगों के सामने पेश किया, वही आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो वीडियो को एक भी बार स्किप मत करो, पूरा वीडियो को देखो, तो आप लोग भी देख पाओगे जो कैसा कैसा हिडन प्लेस एंड ग्लिच होता है गेम में। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक ईयर ड्रॉप का जरूरत है, तो ईयर ड्रॉप ले लेना है। ईयर ड्रॉप लेने के बाद एक रोड पे आपको ईयर ड्रॉप को फेंकना है। फेंकने के बाद देखो, इधर पे मैं ईयर ड्रॉप को फेंक दिया। तो अभी क्या करना है, अभी आप लोग को सीधा जाना है कार पे। कार पे जाने के बाद आपको डेटा जो है उसको ऑफ कर देना है। तो हमने डेटा को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद जिधर पे हमने ईयर ड्रॉप फेंका था उधर पे जाके कार को रोक देना है। तो कार को रोकने के बाद अभी आप लोग को डेटा को ऑन कर देना है। जब डेटा ऑन हो जाएगा तब आएगा असली ट्विस्ट, असली मज़ा। तो वीडियो को ज़रूर देखो। तो अभी आप लोग को जब डेटा देखो 99 से जब पिंग ठीक हो जाएगा तब कार वापस आ जाएगा। तब आपको क्या करना है, कार को सीधा जाके लेके जिधर पे ड्रॉप फेंका था उधर पे आप लोग को गाड़ी रोक के गाड़ी से उतर जाना है। उतर जाने के बाद देखो ऐसा नज़ारा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। देखो हाँ पे है गाड़ी। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला ग्लिच। तो गाइज, आज का एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, उसको सही से आंसर देना। आप कोई भी एक कैरेक्टर लेकर बीआर रैंक पे जाओगे तो सबसे ज़्यादा एचपी कितना रहेगा? तो जल्दी जल्दी इसको कमेंट करके बताओ, जो जो जानते हो उस जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप लोग आंसर दोगे 280। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम बोलेंगे आपका कैरेक्टर का एचपी रहेगा 400। विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखो, तो आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोग को जाना है कैरेक्टर पे। कैरेक्टर पे जाने के बाद आपको सबसे पहले ले लेना है लुकिटा, इसको ले लेना है सबसे पहले। उसके बाद आप लोग को इधर पे उसका एबिलिटी को भरना है। तीनों खाली बॉक्स पे एबिलिटी लगाना है। तो कौन सा कैरेक्टर का एबिलिटी आप लोग लगा पाओगे ये भी हम देख रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग को ले लेना है ये कैरेक्टर को, क्योंकि इसका काम है आपको 30 HP एक्स्ट्रा देगा। उसके बाद सेकेंड वाला स्किल पे जाके एक्टिव स्किल पे जाओ। एक्टिव स्किल पे जाके इधर पे देखो, ये वाला कैरेक्टर को आपको ले लेना है। इस कैरेक्टर का काम है आपको 120 HP एक्स्ट्रा देगा। अभी आपको जो कोई भी कैरेक्टर ले लेना है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने इधर पे जोटा को ले लिया। तो चलो अभी मैच स्टार्ट करके देखाएंगे जो 400 हेल्थ रहता है कि नहीं रहता है। मैच पे आने के बाद आप लोग को 3 किल कर लेना है। तो करने के बाद आपका HP हो जाएगा 205। अभी आपको जरूरत है भेज बूस्टर का। मेरा पास है भेज बूस्टर, देख ही सकते हो। तो उस भेज बूस्टर को उठा लेना है। जब भेज पे सेट हो जाएगा तो आपका HP हो जाएगा 280। अभी आपको ये साइड में जो एबिलिटी वाला कैरेक्टर है इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद देखो 400 HP हो गया। तो गाइज इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखना, आपको भी 400 HP हो जाएगा कैरेक्टर का। इसको लेके आप लोग 4 एनिमी को भी मार सकते हो। तो यही था आज का ग्लिच। तो ये ग्लिच कैसा लगा आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके मेरे को बताओ। तो अभी बढ़ते नेक्स्ट वाला ग्लिच की ओर। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को आ जाना है ऑब्जर्वरी के कुछ इस वाला लोकेशन पे। इस वाला लोकेशन पे आने के बाद इधर पे आप लोग को एक लॉन्च पैड मिलता है, उसको यूज करना है। तो यूज करने से पहले सबसे पहले आप लोग को मैप पे इसका जिधर पे आप लोग हो उधर का एक लोकेशन दे देना है। तो हमने देखो इधर पे एक लोकेशन लगा लिया। तो उसके बाद लॉन्च पैड को छोड़ देना है। नॉर्मली आप लोग लॉन्च पैड को छोड़ दोगे तो आप कितना दूर जा सकते हो पहले इसको चेक करना है। तो देखो हमने इधर पे आके गिरा और इधर पे 326 मीटर दूर पे हम लोग आ गया था। अभी हम लोग चेक करेंगे जो फ्री फायर जो ग्लिच होता है उससे हम लोग कितना दूर जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोग को लॉन्च पैड को ऊंचे की तरफ खींचना है। खींचने के बाद डाई बाई करके जल्दी जल्दी करके छोड़ देना है। तो जब छोड़ दोगे तब देखो जाते जा रहे रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। देखो रिमनम मैप को पूरा छोड़ दिया। अभी आप लोग जितना मैप का शेष राउंड है उस पर आके रुक गया था, इधर से नहीं जा पा रहा था। तो यही होता है फ्री फायर का ग्लिच। तो एक बार आप लोग जरूर इसको ट्राई करो, ट्राई करके कमेंट में बताना जो आप लोग किधर पे आ गए। देखो मैं 1122 मीटर दूर पे आके हम लोग रुक गए थे। तो नॉर्मल सी फ्री फायर लॉन्च पैड ऐसा दूर किसी को नहीं ले जाता है। इस ग्लिच को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एक कार लेके आप लोग को न्यू मैप के कुछ इस वाला लोकेशन पे आ जाना है। आने के बाद इधर बहुत पेटी का टाइप का कुछ मिलता है जो भी है,
तो इसका इसके अंदर सामान भी है जो भी है, बट आपको कार को सीधा लेके जाके उसके ठोक देना है। तो मैं जैसे ठोक रहा हूँ आप लोग को भी ऐसा ही ठोकना है। ठोकने के बाद आप लोग को डेटा ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद गाड़ी बैग में लेकर सीधा आप लोग को चले जाना है जितना दूर हो सके। देखो एक गाना गाओ और गाड़ी को चलाओ, 30 सेकंड तक आप लोग को चलाना है। तो मैं भी ऐसे ही चला रहा हूँ, तो गाना तो नहीं गा रहा हूँ बट चला रहा हूँ। तो कुछ दूरी पे आके आप लोग को क्या करना है, डेटा को फिर से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर से आप लोग को चलते जाना है। तो जाने के बाद देखो आप लोग का कुछ इस टाइप से आ जाओगे, सीधा जमीन के नीचे आ जाओगे। तो आने के बाद इधर से आप लोग रैंक पुश कर सकते हो, बट आपका आईडी कुछ भी बैन नहीं होगा, एक फ्री फायर का ग्लिच है। तो ये वाला ग्लिच कैसा लगे जरूर कमेंट करके मेरे को बताओ। तो गाइस यही था आज का पूरा ग्लिच। तो इसमें से आप लोग को कौन सा ग्लिच सबसे अच्छा लगा मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ, और आप लोग जरूर इसको ट्राई करो। आपका आईडी भी बैन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं 80 लेवल का आईडी लेकर इसको देखा था। तो आईडी बैन होगा तो मेरा कितना बुरा लगेगा आप सोचो। हमारे ऊपर विश्वास रखो, 100% श्योर है किसी का आईडी बैन नहीं होगा। तो भाई जो भाई चैनल पे नया होगा प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक देना, और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ एनी टाइम है। तो सबको दिल से टाटा, बाय बाय।